हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय के रोहाल है के नाची यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग दोस्तों मित्रों देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में हम पंच महापुरुष राजयोग में से एक योग हंस योग की चर्चा कर रहे हैं, जो कि बड़ा ही दुर्लभ योग है। लाखों करोड़ों लोगों में से मुश्किल से 1-2% लोगों के कुंडली में ये योग देखने को मिलता है, वो भी दुर्लभता से, बहुत मुश्किल से मित्रों। तो आज इसी राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से भी बहुत सारे लोगों के कुंडली में ये राजयोग हो, और इसके लिए आपको अपने कुंडली को लेकर के बैठना होगा और उसको मिलान करना होगा। देखिए ये हंस नामक राजयोग जो है सो देवगुरु बृहस्पति के कारण बनता है। अभी जो हमारे सामने कुंडली है आप जो देख रहे हैं, ये धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली इसलिए है क्योंकि यहां पर में लग्न में 9 लिखा हुआ है पहले घर में, इसलिए धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली हो अथवा 12 में से किसी भी लग्न की कुंडली हो, उसमें अगर हंस योग नामक राज योग का निर्माण हो गया तो आप ये मान करके चलिए कि उस व्यक्ति को जीवन में निश्चित रूप से राजा धीराज बनना है, राजाओं का भी राजा बनना है, बहुत सारे कंपनी का ओनर बनना है, पूरे दुनिया में उसका बिजनेस विख्यात होगा, भारत के विभिन्न शहरों में उसका घर मकान गाड़ी बंगला इत्यादि सब प्राप्त होगा उसको, यानी कि वो एक बड़ा ऑफिसर बड़ा मंत्री संतरी बन सकता है। तो मित्रों इसका कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है, और बहुत सारे लोगों को ये ज्योतिष लोग बताते हैं कि आपके कुंडली में हंस नामक राजयोग है लेकिन उनकी जिंदगी बीत जाती है और उनको हंस नामक राजयोग का फल ही नहीं मिल पाता। आखिर क्यों नहीं मिल पाता, इसका क्या कारण है, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। इसमें मित्रों 5 कंडीशन है, जिसमें से अगर कम से कम 4 कंडीशन अगर फलित होते हैं, 4 कंडीशन अगर लागू होते हैं तो ही आपको हंस नामक राजयोग का फल मिलेगा। पहला कंडीशन ये है कि गुरु जो है देव गुरु बृहस्पति ये केंद्र में होना चाहिए। केंद्र का मतलब है कि 1-4-7-10 ये 4 घर को केंद्र कहा गया है, तो केंद्र में होना चाहिए सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि खुद की राशि में होना चाहिए, और उसमें भी विशेष कर ये है कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होना चाहिए, तब जाकर के जो है सो वो बेहतर परिणाम देगा। अगर साधारण अपनी साधारण राशि में है फिर भी ठीक है, लेकिन साधारण तो साधारण ही है, और अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है मित्रों तब जाकर के वो उचित परिणाम देगा और आप सही जो है सो उसका फल प्राप्त कर पाएंगे। तो गुरु का जो मूल त्रिकोण राशि है मित्रों वो धनु राशि है और मीन उसकी साधारण राशि है। तो अगर वो अपने धनु राशि में हो, ये केंद्र में जो है जहां पर में 9 लिखा हुआ है उस जगह पर में अगर गुरु विराजमान हो तो समझ लीजिए कि ये दूसरे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर बाय चांस किसी कारण बस अपने मूल त्रिकोण राशि में नहीं है तो अपने उच्च की राशि में होना चाहिए, गुरु की उच्च की राशि में होना चाहिए। अगर उच्च की राशि में है तब जाकर के वो पूर्ण रूप से जो है सो अपना फल आपको दे पाएगा, और गुरु की जो है उच्च राशि वो कर्क होती है। तो अगर आपके कुंडली के 1-4-7-10 घर में कहीं पर में भी 4 लिखा हुआ है और उस घर में गुरु विराजमान है तो वो अपने उच्च की राशि में हो गया, और तब मानिए कि ये आपके तीसरे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब क्या इतना पर में आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर लोग आपको देखेंगे गुरु उच्च में है अथवा गुरु जो है सो अपने मूल त्रिकोण राशि में है और आपको कहेंगे वाह 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 आपके कुंडली में तो हंस नामक राजयोग का निर्माण हो गया। लेकिन हुआ, हंस नामक राजयोग का निर्माण निश्चित रूप से हुआ, लेकिन इस कंडीशन में सिर्फ इतना देखने से, और इतना अगर व्यवस्था है तो इतना सिर्फ आपको पूर्ण फल की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। जिंदगी बीत जाएगी और आप सोचते रहेंगे कि मेरे कुंडली में राजयोग है और उसका फल आपको कभी नहीं मिल पाएगा।
तो चौथे कंडीशन पर में इसको खरा उतरना चाहिए, जिसमें कि अगर केंद्र में गुरु होना चाहिए, दूसरा अपने मूल त्रिकोण राशि में होना चाहिए, अगर अपने मूल त्रिकोण में नहीं है तो अपने उच्च के राशि में होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन जो है, जो गुरु की डिग्री 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक होना चाहिए। अगर गुरु 12 डिग्री से 18 डिग्री तक में है तो वो अपना 100% फल देगा और गुरु अस्त का नहीं होना चाहिए। गुरु कभी भी अस्त का नहीं होना चाहिए। 12 डिग्री से 18 डिग्री पर में अगर गुरु है आपके कुंडली में, केंद्र में, अपने मूल त्रिकोण राशि में अथवा उच्च के राशि में, कर्क राशि में, तो वो आपको 100% फल देगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले राजा बनने से, बड़े ऑफिसर बनने से। लेकिन मानसागरी के अनुसार एक और प्रमाण है, अगर इस कंडीशन को आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप मान करके चलिए कि आपको हंस नामक राजयोग का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। अगर आपके कुंडली के केंद्र में गुरु उच्च का है अथवा अपने मूल त्रिकोण राशि में है, 12 से 18 डिग्री पर में है, और उसके साथ सूर्य अथवा चंद्रमा है, तो आप ये मान करके चलिए कि आप राजा नहीं बन पाएंगे। आप एक साधारण धनवान बन करके रह जाएंगे, आप एक साधारण धनिक बन करके रह जाएंगे, आप एक साधारण पैसे वाले बन करके रह जाएंगे। आपकी वो प्रसिद्धि जो मैं आपको बता रहा हूं अथवा बताऊंगा अभी, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। इसलिए ये चार कंडीशन निश्चित रूप से फुलफिल होना चाहिए। पहला कि गुरु केंद्र में होना चाहिए, दूसरा कि अपने मूल त्रिकोण में हो अथवा मूल त्रिकोण राशि गुरु की धनु है, और अथवा उच्च के राशि में हो, उच्च की राशि उसकी कर्क है, और तीसरा कंडीशन कि गुरु 12 डिग्री से 18 डिग्री पर में होना चाहिए। अगर 12 डिग्री से कम पर में है, यानी कि 6 से 12 डिग्री के बीच में है, तो मान करके चलिए कि आपको 50% रिजल्ट मिलेगा, और अगर 18 डिग्री के बाद है तो आपको रिजल्ट बहुत कम प्राप्त होगा। और कंडीशन ये है कि सूर्य अथवा चंद्र गुरु के साथ नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं प्रमाण देता हूं। अब तो बातें तो हो गई, तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। तो प्रमाण क्या है ये देखिए, प्रमाण दिया गया है, इसका क्या क्या फल है जातक पारिजात में वो पढ़िए। दिया गया है, एकदम एक एक शब्द तोड़ करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। रक्ताश्योन्नत नासिका सुचरणो हंस स्वर श्लेष्म को गौरांग सुकुमार दार सहित कंदर्प तुल्य सुखी शास्त्रज्ञान परायणोति निपुणः श्री हंस योगे गुणे यातोषित कुमार युरेति सुयुगं साधु क्रिया चार वाना। ये इसका फल है, और फल भी आपको मैं दिखाता हूं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है कि हंस योग में उत्पन्न व्यक्ति रक्तांभ गौरांग शरीर को प्राप्त करता है। सुरौल नासिका, नाक खूब सुंदर होगा, और सुडौल चरण, पांव भी जो है उसका, पैर बहुत अच्छा होगा और पूर्ण रूप से सुडौल होगा, हंस के समान उसका स्वर होगा, और श्लेष्मा युक्त होगा, वो सुकुमार स्त्री से युक्त होगा, वो उसको जो स्त्री की प्राप्ति होगी वो भी बहुत 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 सुंदर और सुकुमार होगी। कामदेव के समान उसका वर्ण होगा, शरीर होगा, कामदेव के समान सुंदरता उसके शरीर में होगी। वो हमेशा जीवन में सुखी रहेगा और शास्त्र ज्ञान से भी निष्णात रहेगा, यानी कि निपुण रहेगा, शास्त्र की ज्ञान भी उसके पास बहुत ज्यादा होगी। उसके साथ वो गुणवान होगा, साधु प्रकृति का होगा, और हमेशा चरित्रवान और आचरणवान होगा, उसके आचरण के चरित्र को कोई हिला नहीं सकता। और उसकी जो जिंदगी है तो टोटल 82 वर्ष की होगी, यानी कि 82 ईयर की जो है जिंदगी वो यहां से भोग करके और फिर स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। और ये जो दूसरा प्रमाण है वो फल दीपिका का है, वो भी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, क्या मैंने जो ये बातें की, जो सूर्य और चंद्रमा अगर साथ में हो तो वो फल
100% प्राप्त नहीं होगा, इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं और वो लोग नहीं मानेंगे। इसलिए मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, क्योंकि हमारे चैनल पर मैं बड़े बड़े ज्योतिषी को भी यहां से ज्ञान लेना पड़ता है, वो लोग भी देखते हैं हमारे वीडियो को, समझते हैं। तो यहां पर प्रमाण देख लीजिए, दिया गया है मान सागरी में कि केंद्रोच्चगा यद्यपि भूसुता द्यामारतंड सीतांग सुयुता भवंती कुरुबंती नोर कुरुबंती नोर नोर भी पतिमात्म पाके यच्छन्ति ते केवल सत्फलानी। अर्थात मान सागरी के अनुसार यदि पंच महापुरुष योग कारक भौमादि ग्रह सूर्य अथवा चंद्र के साथ केंद्र में संयुक्त हो तो उक्त योगों के कथित फल बाधित हो जाते हैं, जाता जातक राजा के समान न बनकर एक सामान्य धनिक बनकर के रह जाता है। मान सागरी का ये प्रमाण है। तो आप समझ चुके, मैंने आपको सब कुछ एकदम परफेक्ट सही तरीके से बता दिया, और अब उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कभी भी संशय जन्म नहीं लेगा, क्योंकि यहां पर मैं हमने जो बात की है वो 100% प्रमाण के साथ, और इस प्रमाण को दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो काट सकता है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, आपके पास कोई योग्य ज्योतिष नहीं है जिससे आप संपर्क कर सकें, तो यहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7062757996। यहां पर मैं आप संपर्क करके व्हाट्सएप करके मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। 500 रुपया फीस जमा करके आप अपने बारे में संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, और कमेंट में लिखें कि आपके कुंडली में ये योग है या नहीं, हमें जरूर बताएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।